आज हम लोग बात करते हैं हैप्पीनेस के बारे में, राइट। देखो, लोग इनकम करते हैं, हेल्थ के बारे में, हेल्थ भी ध्यान रखते हैं, इनकम के बारे में ध्यान रखते हैं, राइट। बाकी सब चीज़ ठीक है, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं कि अपना खुद का खुशी। खुशी एक हर एक पर्सन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना, वो अपना लाइफ चेंज कर देता है। जब आप खुशी होते हो ना, आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, आपको जो काम करने का लेवल है, वो बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए आपको हमेशा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे कई इंटरव्यू में आपने देखे होंगे, मेरे साथ कोई भी कुछ भी करें, हाँ थोड़ा टाइम टेंशन आता है, फिर हमेशा मैं खुश रहता हूँ, हंसते रहता हूँ, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मैं रहता हूँ। तो हर जमे जितना भी टेंशन है, जो भी है, एक समय अपना समय निकालिए जिसमें जाके आप इन्जॉय कर सकते हैं, राइट। अपने लिए कुछ समय दीजिएगा। अगर ये आपको फ्रेंड्स के साथ मिलता है तो फ्रेंड्स के साथ करिए, फैमिली के साथ कर रहे हैं फैमिली के साथ करिएगा, लेकिन आपकी खुशी मिलना चाहिए, राइट। जैसे एक सॉलिड ऐसे एक जगह पे बैठे हैं, हाँ, यू नो, आपकी पूरा पुराना जो टेंशन है ख़त्म, आगे जो होगा सब अच्छा अच्छा ही होगा, है ना, उस तरह का एक फील आता है। तो हमेशा मेक श्योर लाइफ में आप हर एक मोमेंट एंजॉय करते हो, और लाइफ हमेशा कंपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप एंजॉयमेंट के लिए अलग जाते हो, राइट। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कोशिश करिएगा आपका एवरी डे, आपका जो एक्सपेंसेस है, एवरी डे आप जैसे काम करते हो उसमें एक भाग होना चाहिए आपके खुशी के लिए। हर दिन आपका खुशी होना चाहिए, राइट। नाश्ता करने में मजा आना चाहिए, आप लोगों के साथ बैठ के काम करने में मजा आना चाहिए। इस तरह का एक खुशी अपने लिए लाइफ में बनाना बहुत ज़रूरी है, एंड इस चीज़ को ध्यान में करिएगा। एवरी डे एवरी मोमेंट यू हैव टू बी हैप्पी, उससे आपका लाइफ में बहुत फ़र्क आएगा। खुशियाँ को कभी भूलना नहीं चाहिए, राइट। लाइफ में सीरियस 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 होके होगा क्या यार, क्योंकि आप आगे चलोगे आपके आगे लोग हैं, आपके पीछे भी लोग हैं, आप जितना भी आगे चलोगे आगे पीछे लोग होंगे। तो पहले आप उस सन उस मोमेंट में इंजॉय करिएगा, जो भी है ठीक है भाई, खुश है, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।